बीमारी के वसीला से तरक्की नहीं कर पाते, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी नहीं कर पाते। लेकिन हर शख्स चाहता है आम तौर पे, जो इस बीमारी का शिकार ना भी हो तो भी, चाहे वक्ती तौर पे हो, लेकिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और हर शख्स इस बीमारी से या इस मुश्किल से निकलना चाहता है। चाहता है कि नहीं चाहता? बिल्कुल। तो इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर्स आज कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं या बीमारियों से निकलना चाहते हैं तो वो कहते हैं खुश रहें और पुर उम्मीद रहें। ये डॉक्टर्स का कहना है, ये आज की साइंस ये तहकीक कर रही है। और डॉक्टर्स का कहना है कि वो लोग जो खुश रहते हैं और पुर उम्मीद रहते हैं वो लोग ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं, या अगर बीमारी उन पे आ जाती है तो वो आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तो डॉक्टर और साइंसदान तो आज इस चीज़ की तहकीक कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं सुलेमान नबी को, जिसको हिकमत का मंबा कहा गया है, जिसको हिकमत और दानाई से खुदावंद ने मामूर किया। जब सुलेमान नबी ने खुदा के सामने वो गया तो उसने, खुदावंद ने पूछा कि तू मुझसे क्या चाहता है, तो उसने अपने लिए क्या मांगी? हिकमत और दानाई मांगी। और हम देखते हैं कि सुलेमान नबी ने आज से हज़ारों साल पहले इस बात की तस्दीक की है, और वह अपनी किताब इमसाल 17 बाब में उसकी 22वीं आयत में क्या कहते हैं। जिनके पास कलामे मुकद्दस है वो मेरे साथ प्लीज़ खोलें। आमीन। हम क्या देखते हैं कि सुलेमान नबी क्या फरमाते हैं कि शादमान दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश कर देती है। सुलेमान नबी इस बात की तस्दीक करते हैं कि खुश रहने से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। खुश रहना सेहत याबी है। खुश रहने से आपकी ज़िंदगी में बरकत आती है और खुश रहना बरकत की बात है। मेरे अजीज़ों, अगर आप किसी भी बीमारी में हैं तो भी खुश रहना सीखें और ये कहें कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। खुदावंद में खुश रहना मेरे लिए ताकत है, मेरे लिए स्ट्रेंथ है। और जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, पालूस रसूल फरमाते हैं, जो मुझे कुवत बख्शता है उस यस्सु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इसमें हम इस तरह भी ले सकते हैं इसको कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें खुश रहूँगा। मेरी खुशी ये है कि मेरा बादशाह, किंग ऑफ द किंग, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, वो मेरे साथ है। खुदावंद मेरे साथ है। अगर हम कलामे मुकद्दस में से देखें तो ज़बूर 33 बाब और उसकी 18वीं आयत, उसमें यूँ मरकूम है, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। क्या कहा गया है कि देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। और मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा से डरते हैं और उसके खौफ में हैं तो आप इस चीज़ का यकीन रखें कि आप खुदावंद की निगाह में हैं। लेकिन इधर खौफ रखने से मुराद, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, खौफ दो तरह का होता है। एक जिस्मानी खौफ है और एक रूहानी खौफ है जो खुदा का खौफ है। जिस्मानी खौफ वो है जो हमें खौफ, ऐसा खौफ है या डर ऐसा है जो हमें खौफ में मुब्तला करता है, जो हमें परेशान करता है, जो हमारी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। वो खौफ हमें ज़्यादातर आइसोलेशन का शिकार भी कर देता है कि खौफ के मारे हम किसी से मिलना जुलना या किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते, बल्कि अकेले उसी खौफ में एक जगह बैठे रहने को तरजीह देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें कि खुदा का खौफ क्या है, खुदा का खौफ हमें तकवीयत बख्शता है, खुदा का खौफ हमें तसल्ली बख्शता है, खुदा का खौफ हमें उम्मीद बख्शता है, खुदा का खौफ हमें ताकत बख्शता है। तो ज़बूर नवीस क्या फरमाते हैं कि देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद के खौफ में रहें।
तो खुदावन का खौफ किस तरह हमारी ज़िंदगी में आएगा? खुदावन का खौफ तब हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हम इस कलाम को पढ़ेंगे, इस कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे। अगर हम इस कलाम को पढ़ेंगे नहीं या सीखेंगे नहीं, तो ये कैसे हमारे अंदर के खौफ को ख़त्म करेगा? ये कैसे हमें ताकत बख्शेगा? ये कैसे हमें कुव्वत बख्शेगा? और हमेशा ना उम्मीद और ना खुश हम तब होते हैं जब हम हालात पर निगाह रखते हैं। हम कब खौफ में मुब्तला होते हैं या ना खुश या ना उम्मीद कब होते हैं? जब हम हालात पर निगाह रखते हैं और हालात हमारी फेवर में नहीं होते, हालात हमारे अगेंस्ट होते हैं, तो उस सूरत में हम ना उम्मीद या ना खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मसीह यसू, जो हमारी ज़िंदा उम्मीद है, जो हमारी हकीकी उम्मीद है, अगर हम उस पर निगाह रखें, तो हम कभी भी मायूस नहीं होंगे, हम कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। क्योंकि ज़बूर नवीस ये कहता है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत थी तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। अभी सोचने वाली बात यह है कि ये तसल्ली कहाँ से आई? ज़बूर नवीस के पास ये तसल्ली कहाँ से आई? ये तसल्ली हमें कलाम से मिलती है, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि मुझे अपनी फिक्र दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी अपनी गवाही देना ज़रूर इधर शेयर करना चाहूँगी कि जब मेरी बेटी अनाया पैदा होने वाली थी तो मेरे बहुत क्रिटिकल हालात थे। डॉक्टर्स ने बहुत शुरू के दिनों में ही मुझे बता दिया था कि आपके हालात अच्छे नहीं हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है और इस बेबी का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आपके बहुत थोड़े दिन हैं और अगर हम आपको ऑपरेट कर देते हैं तब भी ये बच्चा इतना छोटा है कि इसका सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन आप खुदा से उम्मीद रखें। उन्होंने मुझे खुदा से उम्मीद रखने को कहा, लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे हालात बताए वो ना उम्मीद होने वाले थे। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावन के कलाम ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और खुदावन की कुदरत को मैंने यूँ देखा कि जब तकरीबन मेरे आखिरी दिन चल रहे थे तो मैं एक दिन नाइट ड्यूटी पे थी और बहुत ज़्यादा शदीद बारिश हो रही थी। रात मेरी आँख खुल गई और मेरे जहन में, जब मैं तकरीबन मेरा डेली अल्ट्रासाउंड होता था मेरी पोजिशन को चेक करने के लिए कि बेबी की क्या पोजिशन है, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं परेशान हो गई कि अभी इस टाइम पे शायद मेरा ऑपरेशन हो जाए और प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए। तो मैं सोचना शुरू हो गई कि मेरे ख़ानदान में तो कोई इर्द गिर्द कोई इतना फारिग भी नहीं है, तो ऐसे बच्चे को तो इनक्यूबेटर में रखना पड़ेगा और पता नहीं कितने दिन हॉस्पिटल में लग जाएँ। तो मैं इधर अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है, इस्लामाबाद में तब मैं रहती थी। तो मैं इस सारी मुश्किलों में कि मैं क्या करूँगी, सोचते सोचते मैं एकदम मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा खुदावन मैंने तो पहले दिन से अपनी सारी फिक्र तुझ पे रखी थी और मैंने कहा था, मैंने तेरे वादे पे ईमान रखा था कि तूने कहा है कि अपनी फिक्रें मुझे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो ये तो सारी फिक्रें मैं ले रही हूँ, ये तो मैं कर रही हूँ आगे क्या होगा, किस तरह होगा, कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर ये फिक्र मेरे पास है तो इसका मतलब है तूने मेरी फिक्र नहीं ली है। तो मैंने कहा खुदावन इसका मतलब यही है कि तूने मेरी फिक्र नहीं ली है। मैं उसी वक्त उठी और मैंने उधर ड्यूटी पे मेरे पास जाए नमाज ही था, मैंने बिछाया ज़मीन पे और मैं दुआ करना शुरू हो गई और मैंने बाकायदा खुदा से लड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा खुदावन जब तक तू मेरी बेतकादी का इलाज नहीं करेगा और जब तक तू मेरी फिक्र को अपने ऊपर नहीं लेगा, मैं तब तक तेरी हुजूरी से नहीं उठूंगी। मुझे नहीं पता कि मैंने रो रो के कितनी देर खुदा की हुजूरी में दुआ की और फिर दुआ करते करते मेरे दिल को तसल्ली मिली, शादमानी मिली और मेरे मुंह से शुक्रगुजारी के लफ्ज़ निकलना शुरू हुए कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझ पर करम कर दिया है और तूने मेरी फिक्र को ले लिया है। और फिर मैं देखती हूँ कि मैं जो परेशान थी जब अनाया पैदा हुई तो इसका वज़न सिर्फ 1.3 kg था, 1.25 kg था। तो ये इसको उन्होंने दो तकरीबन मेरे ख्याल में घंटा, 2-4 घंटा नर्सरी में इनक्यूबेटर में रखा ऑक्सीजन पे। इसने उधर इतनी बेचैनी और वो रो रो के बुरा हाल किया, उन्होंने कहा नहीं भाई इसको मदर को दें, इसको कोई ज़रूरत नहीं है इनक्यूबेटर की। तो इस कदर वज़न कम होने के बावजूद, दिन कम होने के बावजूद,
खुदावन ने हमारी जिंदगी में फजल किया और इसे ना ऑक्सीजन लगी ना ये एक दिन इनक्यूबेटर भी रही है। तो ये खुदावन के नाम को जलाल हो। जब हम उस पर उम्मीद लगाते हैं, जब हम उस पर आस रखते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं। वो काम, वो मौजे जो हमें बज़ाहिर नामुमकिन लगते हैं, खुदावन वो मुमकिन कर देता है। हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं। रोमियो में, रोमियो की किताब, पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया के नाम, उसके 15वें बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं फरमाते हैं, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूल कुछ की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। रोमियो 15 बाब और उसकी 13 आयत है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, उम्मीद का चश्मा कौन है? खुदा है। और ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। मामूर का मतलब होता फुल हो जाना, ऐसी चीज जिसमें मजीद और भरने की गुंजाइश ना हो। जैसे हम एक गिलास को पानी से भर देते हैं और वो लबालब भर जाता है, उसमें मजीद अगर आप डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो उछल के बाहर आएगा। तो कहते हैं पालूस रसूल, क्या फरमाते हैं? बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। मतलब जब हम खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, जब हम उसे अपना लेते हैं, उसके वादों पर, उसके कलाम की सच्चाइयों पर ईमान रखते हैं, तो वो हमें मुकम्मल इत्मीनान और खुशी देता है। उसमें फिर ये नहीं है कि हमारे दिल में धड़के लगे रहें। मेरे अजीज़ों, अगर जब भी आप दुआ करते हैं, कोई मुश्किल, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती है, तो अगर दुआएँ करने के बावजूद आपके दिल में धड़के लगे रहते हैं या ना उम्मीदी आती है, तो समझें कि आपकी दुआएं सही सिमत में नहीं हैं, आपके इतकाद रखने का अंदाज सही सिमत में नहीं है। हमें ज़रूरत है कि हम कलाम के मुताबिक अपने ईमान को बिल्ड अप करें। कलाम जिस तरह कहता है, कलाम में जो कहा गया है, इसमें इसके खुश रहने के लिए हमें, आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं तो थसलनिकियों की किताब में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि हमने हर वक्त खुश रहना है। सिर्फ खुशी के वक्त में खुश नहीं रहना, बल्कि जब कोई दुख है, जब कोई बीमारी है, जब कोई मुश्किल है, जब कोई परेशानी है, लड़ाई है, झगड़े हैं, हमारे कानूनी मामलात हैं, तो इन तमाम हालात में हमें खुश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास उम्मीद है। इंसान नाखुश तब होता है जब उसके पास उम्मीद नहीं होती। ना उम्मीदी क्या करती है? ना खुशी को जन्म लेती है, उससे ना खुशी आती है, अफसुर्दगी आती है। तो हमारे पास हमारी सबसे हकीकी खुशी क्या है? जिंदा खुदा का कलाम है, जिसमें मजी यसु ने हमें जो एक जिंदा उम्मीद बख्शी, उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें इब्तदाई दौर में ही मिल जाती है, जब खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया और सारी चीज़ों को खल किया, तो खुदा ने इंसान को पैदा किया, और खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उससे हम कलाम हो सके, उससे बातचीत कर सके। खुदा इंसान से बातचीत करके खुश होता था, और हम देखते हैं कि उस दौर में इंसान, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारे माँ बाप आदम और हवा, वो भी खुदा से बात करके खुश रहते थे। लेकिन जब उनसे गुनाह सरजद हो गया, जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी नाखुशी आई, उनकी ज़िंदगी में डर आया, उनकी ज़िंदगी में खौफ आया, उनकी ज़िंदगी में गुनाह आया। और गुनाह क्या करता है? हमारी ज़िंदगी में खौफ को लेके आता है कि पता नहीं हम आज मर जाएं, कल मर जाएं। जब खुदा ने इंसान को बनाया था, तो उसने उसके लिए मौत नहीं लिखी थी। ये इंसान ने गुनाह के सबब से मौत को ख़रीदा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदा यीशु मसीह ने, उसी वक्त खुदा ने उसके वसीला से हमें एक कवि उम्मीद बख्शी कि एक औरत की नस्ल में से आएगा जो अबलीस के, सांप के सर को कुचलेगा और हमारे लिए निजात का बंदोबस्त करेगा। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे लिए किस कदर अच्छा अबदी हमारे लिए इंतज़ाम किया। हम खुदा का इस बात के लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए।
और हम देखें कि खुदा हमसे किस कदर मोहब्बत रखता है कि जब खुदा ने पहले ही दफ़ा में खुदा की हुक्मदुली की, खुदा की नाफरमानी की, हालांकि उसके पास सब कुछ था, कोई उसकी ज़रूरत की चीज़ नहीं थी जो उसके पास ना हो, खुदा ने हर चीज़ को बनाने के बाद उसकी राहत, उसके आराम, उसकी ज़रूरत, हर एक चीज़ का ख्याल रखा। सबसे पहले खुदा ने उनको तख्लीक किया और उसके बाद खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें खुदावंद बागे अदन में लेकर आया। इसी तरह अगर आज की हम आज के दौर में अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हम अगर खुदावंद पर उम्मीद रखें, खुदावंद के कलाम पर, उसकी सच्चाइयों पर, उसके वादों पर हम निगाह रखें तो हम कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे। हम बीमारियों से डरेंगे नहीं, हम मुश्किलों से डरेंगे नहीं, हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे क्योंकि हमारे पास जिंदा उम्मीद है और सबसे बढ़कर हमारे पास रूह की तलवार है। मसीह यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक मददगार दिए जाता हूँ। मसीह यीशु जब आसमान पर गए तो उन्होंने हमारे लिए एक मददगार भेजा, रूल कुद्स, जो हर वक्त हमारे लिए शिफायत करता है, जो हर वक्त हमारे लिए बाप के सामने शिफायत करता है। हमारी शायद दुआएं इस काबिल ना हो, हमारा मांगना, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा तवक्कल करना नाकाफी है, लेकिन खुदा का रूह है जो हमारे लिए शिफायत करता है और हम खुदावंद की हुजूरी से खुशी के, आसूदगी के दिनों को देखते हैं। ज़बूर नवीस फरमाते हैं कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दहने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी। ज़बूर नवीस क्या फरमाते हैं कि मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है, चूंकि वो मेरे दहने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बिश ना होगी और इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान होगी। मेरे अजीजों, जब हम ये सोचते हैं कि खुदावंद मेरे आगे है, मेरे बच्चों के आगे है, मेरे बिजनेस के आगे है, मेरी बीमारी के आगे है, तो वो इन सब को ठीक करता रहेगा। आप कहें कि वो मेरे साथ है इसलिए मैं खुश हूँ। दुनिया साथ है या नहीं, हालात आपके साथ है या नहीं, लेकिन वो जो मेरा जोर है, वो जो मेरी खुशी है, वो जो मेरी तसल्ली है, वो जो मेरी उम्मीद है, वो मेरे साथ है। मेरे अजीजों, जो कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं, दौलत उनके पीछे भागती है, कामयाबी उनके पीछे भागती है, उन्हें इन चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं भी है तो भी उनकी ज़िंदगी में खालीपन नहीं रहने देता खुदा, और वक्त पर खुदावंद उन्हें सरफराज करता है। हमारा मसला ये है कि हम उस अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करता, हम अपनी जो जल्दबाजी है, हमारी श्रिस्त में जो है, इस वजह से हम क्या करते हैं, खुदावंद के अच्छे दिनों को देखने से हम लोग नहीं पहुंचते वहां तक, अच्छे दिन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम अपनी तसल्ली को हार देते हैं, हम उस उम्मीद को अपनी दिल में, अपनी ज़िंदगी में कायम रहने नहीं देते। और यही बात खुदावंद ने यशवा को सिखाई कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी में लगा रहे, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इकबाल मंदी की यानी कामयाबी की, और जहाँ कामयाबी होती है वहाँ खुशी होती है, वहाँ उम्मीद होती है। तो मेरे अजीज़ों, बेशक आज के इस संडे को ख़वातीन के नाम से मंसूब किया गया है कि ये वुमन संडे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज का कलाम हम सब के लिए हो, क्योंकि हम सबको इसकी ज़रूरत है। आज हम वालदैन पर अगर निगाह करें तो वो परेशान हैं अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उनकी बुरी आदतों की वजह से, उनके बुरे ख्यालात की वजह से, उनके बुरे रवैयों की वजह से। हम देखते हैं कि आज कल की औलाद अपने वालदैन की बहुत नाफरमान है, बच्चे अपने वालदैन की वो इज़्ज़त नहीं करते जो खुदा का कलाम उन्हें सिखाता है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में लें, और ये हमारी ज़िंदगी में तब आएगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये ना तो आप हर रोज़ अगर बहुत लंबी लंबी दुआएं करते हैं, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मांगते हैं,
खाली मांगने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे नहीं, उसकी सच्चाइयों को जानेंगे नहीं, उसके वादों पर ईमान नहीं रखेंगे, तो तब आप इन मुश्किलात से नहीं निकल सकेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप किसी मुश्किल में आते हैं, किसी परेशानी में आते हैं, अगर आपको खुदा का कलाम याद होगा, खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ याद होंगी, तो आप क्या कहेंगे? किसी मुश्किल में जब आप होंगे तो आप कहेंगे, खुदावंद ने कहा अपनी फिक्र मुझे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आप खुदा के वादे खुदावंद को याद दिला सकते हैं कि खुदावंद ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, ना उम्मीद ना हो, बेदिल ना हो, मैं तेरी तसल्ली का सरचश्मा हूँ, मैं तेरी आस तेरी उम्मीद हूँ। तो हम खुदा के वादे खुदावंद को याद दिला सकते हैं। वो कब याद दिलाएंगे? जब हमें खुद याद होंगे। जब हमें खुद याद होंगे तब हम खुदा के वादे, हम खुदा को याद दिलाएंगे कि खुदावंद तेरा वादा है और तू अपने वादों में सच्चा और कादिर है। सो आज अपनी कुदरत को पूरी कर मेरी ज़िंदगी में, अपने वादों को मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम को अपनाते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेकर आते हैं, तो हम कामयाब होंगे। बुड़बुड़ाना छोड़ दें, ना उम्मीद होना छोड़ दें। मैं अक्सर देखती हूँ कुछ लोग नेगेटिविटी में इतने माहिर होते हैं कि आप उनके पास 10 मिनट बैठोगे, उन्होंने आपको पूरी की पूरी नेगेटिविटी आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यार आजकल के हालात ही पता नहीं कैसे हैं, कमाई में कोई बरकत नहीं है, बच्चे जो है ना वो बड़े नाफरमान हैं, हमारे मुल्क की हालात कभी नहीं सुधर सकते। मतलब उनके मुंह में क्या होती हैं? मनफी बातें होती हैं। जब तक हमारे लम्हों पर मनफी बातें हैं, तब हम ज़िंदगी में कभी भी मस्बत नचायद नहीं रख सकते। मस्बत नतायज देखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे लबों पर, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जहनों में मस्बत बातें हों, पॉजिटिविटी की बातें हों, ऐसी बातें हों जो हमें भी उम्मीद दें और जो दूसरों को भी उम्मीद दें। आप किसी की मुश्किल में देख के गॉसिप करने के बजाय उसके लिए तसल्ली का सबब बन सकते हैं। वो जो ना उम्मीदी की तरफ जा रहा है, आप अपने लफ्ज़ों की बदौलत उसके लिए उम्मीद पैदा कर सकते हैं। आप अपनी दुआओं की बदौलत उसके लिए खुदावंद की शिफा को कायम कर सकते हैं, उसके लिए शिफायत कर सकते हैं। सो आज हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ की अहमियत को जानें कि हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें किसी के बारे में मनफी बातों को नहीं सोचना, बल्कि हमने मस्बत जुमलों को अपने दिल से निकालना है, दिल से निकाल के लबों पर लाना है और उनका इकरार करना है, इजहार करना है, उन्हें बोलना है। तब मनफी नताइज नहीं बल्कि मस्बत नताइज आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और माओं के लिए भी आज मेरा यही पैगाम है। ख़वातीन आज जो बेटियां हैं, कल को उन्होंने भी माएँ बनना है। बहुत सी ख़वातीन इधर ऐसी हैं जो अभी माएँ बन चुकी हैं, बहुत सी हमारी बुज़ुर्ग माएँ भी हैं। हर एक वुमेन इस दौर से गुज़रती है। तो माओं के लिए यही पैगाम है, ख़वातीन के लिए यही पैगाम है कि वो बिला नागा दुआ करें, वो बिला नागा कलाम को पढ़ें और अपने कलाम को। मैं देख रही थी कि आशर भाई जब प्रिजाइडिंग कर रहे थे तो जिस तरह वो यहूदी माँ का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे उससे बड़ी तकवीयत मिल रही थी और मेरे कलाम के मुताबिक मुझे लग रहा था कि खुदा का रूह यहाँ काम कर रहा है। इसीलिए मेरी और उनकी जो बातें हैं वो एक पेज पे थी। खुदावंद आपको सिखा रहा था, खुदावंद मुझे सिखा रहा था। तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। मेरा आप सबसे एक सवाल है, हमें औलाद कौन देता है? खुदा। वेरी गुड, आमीन, ऐसा ही है, हमें औलाद खुदा देता है। लेकिन औलाद को खुदा कौन देता है? अब मेरा ये सवाल है। माँ बाप देते हैं औलाद की ज़िंदगी में, खुदा माँ बाप लेकर आते हैं। जब वो बच्चों के सामने मस्बत बातें बोलेंगे, जब वो बच्चों के सामने उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है, परेशानी आ जाती है, उनका रवैया कलाम के मुताबिक होगा, तो समझें कि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी में कलाम को बो रहे हैं, वो उन्हें खुदा की पहचान दे रहे हैं। तो अगर आज आपके बच्चों की ज़िंदगी में खुदा नहीं है, तो अपने आप पर गौर कीजिए कि आपसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी खता हुई है कि आप अपने बच्चों को खुदा की पहचान नहीं दे सके हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुद इस पहचान में बढ़ें। जब हमें खुदा की पहचान होगी,
हमारा रवैया कलाम के मुताबिक होगा, मनफी सोचे, मनफी बातें, मनफी रवैये नहीं होंगे। हम किसी के बारे में चुगली करने के बजाय इस चीज़ को प्रेफर करें कि हम शुक्रगुजारी करें, हम किसी के लिए तसल्ली का सबब बने, हम किसी के लिए अच्छी सोच को पैदा करने का सबब बने। और आज का कलाम मेरा माओ के लिए, भाइयों के लिए, हम सब के लिए यही है कि हमें ज़रूरत है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी में उम्मीद को चाहते हैं, खुशी और शादमानी को चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हमें हम हालात पर निगाह ना करें, जो गुज़रा वक्त है उसे भूल जाए। आपसे कौन सी गलती हुई या कौन सी गलती नहीं हुई, कहाँ आप गलत थे, कहाँ आप सही थे, बल्कि आज अपने आप को खुदा के सामने पेश करें कि खुदावन मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करती हूँ, मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूँ कि तू मेरी कांट छांट कर, तू मुझे अपनी पहचान दे, कि ताकि जब तेरी पहचान मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं वो पहचान अपने बच्चों की ज़िंदगी में डिलीवर कर सकूँ और मैं एक खुशहाल और शादमान ज़िंदगी बसर कर सकूँ। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।